नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके सेशन में। जुड़ेंगे आज हम सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के आपने आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास का हमने एक लेक्चर डील किया था, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, एक दूसरा लेक्चर डील करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें हमने पहला यूनिट स्टार्ट किया था। हमारा यूनिट था यूरोपियों का भारत। आगमन, आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपियों का भारत आगमन। हमने एक सीक्वेंस डील किया था, हमने कहा था पुर्तगाल, इसके बाद डच, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद डेनिश और इसके बाद फ्रेंच हमारे देश में आए। ये सीक्वेंस की हमने बात की थी। इसी के साथ हमने बैकग्राउंड डील किया था, लास्ट सेशन में हमने बैकग्राउंड डील किया था। हमने बात की थी कि क्या परिस्थितियां थी यूरोप में, परिस्थितियों की बात की थी, क्या सिचुएशन थी, क्या कारण रहे कि यूरोपी भारत आए। हमने पिछले लेक्चर में सारे बिंदुओं पे सारी परिस्थितियों को एक हमने ओवरव्यू खींचने की कोशिश की थी कि कारण क्या थे, परिस्थितियां क्या थी, वजह क्या बनी, जिस पे हमने पुनर्जागरण की बात की थी, जिस पे हमने कुस्तुन दुनिया के पतन की बात की थी, जहां पर हमने जो पुराने व्यापारिक मार्ग थे उन पर ऑटोमन तुर्क मुस्लिमों के उन पुराने व्यापारिक मार्गों पे उनके कब्जे की बात की थी। हमने बात की थी कि जो जरूरी सामान थे, एसेंशियल गुड्स थे, वो अब यूरोपियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि पुराने मार्गों पर ऑटोमन साम्राज्य के तुर्कों का कब्जा हो गया था। सारी परिस्थितियों की हमने बात की थी। आज इस कड़ी में हम डील करेंगे पुर्तगालियों के भारत आगमन में। सबसे पहले पुर्तगाल आए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए। दोस्तों, पुर्तगाली भारत आए, हम पुर्तगालियों के बारे में बात करेंगे। पुर्तगाली भारत आए, कैसे आए, क्या नीतियां रही, यहां पर कितने दिन तक रुके, कितने दिन तक व्यापार किया, कैसे प्रशासनिक संघर्ष हुए, ठीक है, सारी स्थिति पर बात करेंगे, एक एक स्थिति पर बात करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं पुर्तगाल। चूंकि पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि चारों तरफ से समुद्र से पुर्तगाल घिरा हुआ था,
पुर्तगाल घिरा हुआ था। स्पेन और पुर्तगाल की ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी थी कि चारों तरफ नहीं सही कहना है, तीन तरफ से ये घिरा हुआ था, लेकिन बीचों बीच समुद्र की स्थिति थी। पानी से इनका मुकाबला रहता था, तो जाहिर सी बात है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इन्हें सब कुछ अपने जीवन यापन के लिए, रोजमर्रा के लिए पानी से ही संघर्ष करना था, पानी से ही मछली पालन करना था, पानी से ही आसपास के इलाकों में जाना था। तो नौसेना में ये काफी प्रवीण थे। नौसेना में इनकी नेवी जो थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। नेवी में स्पेन और पुर्तगाल भारतीय थे। दूसरी ओर हमने बात की थी कि पुर्तगाली को सहायता मिल रही थी उत्तरी यूरोप से, और पुर्तगालियों को सहायता मिल रही थी जीनोज से। नॉर्दर्न यूरोप और जीनोज से सहायता मिल रही थी। ये इटली का नगर था। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जीनोज मतलब जेनेवा और वेनिस, जेनेवा और वेनिस इटली के नगर थे, भूमध्य सागर में स्थित थे। तो पुराने व्यापारिक मार्गों से जो सामान जाता था वो सबसे पहले वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों के हाथ में ही लगता था। तो वेनिस और जेनेवा के व्यापारी व्यापार वाणिज्य में बड़े अग्रणी थे, और ये दोनों नगर बड़े संपन्न थे, व्यापार वाणिज्य में बड़े संपन्न थे जिनेवा और वेनिस। दोस्त प्रॉस्परस सक्षम समृद्ध सक्षम थे, लेकिन इतने भी शक्तिशाली नहीं थे ये जिनेवा और वेनिस के व्यापारी कि अकेले दम पर ये मुकाबला करते ऑटोमन तुर्क से और पुराने व्यापार वाणिज्य के मार्गों को इनके हाथों से छीन लेते। हालांकि ये समृद्ध थे, व्यापार वाणिज्य में समृद्ध थे, पुनर्जागरण का काल था, नई तकनीक आ रही थी, नए विचार आ रहे थे, फिर भी इनकी अपनी सीमाएं थी और ये इतने समृद्ध नहीं थे कि ये मुकाबला करते ऑटोमन तुर्क से और मुस्लिम शासकों से। इसलिए ये जेनेवा और वेनिस के बुद्धिजीवियों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, यहाँ के व्यापारियों ने पुर्तगाल को पुश करना शुरू किया और पुर्तगाल को मोटिवेट किया, प्रमोट किया कि आप चलिए, आप संघर्ष करिए, आप कर सकते हैं। ये काम करना शुरू किया जिनेवा के बुद्धिजीवियों ने। और चूंकि पुर्तगाल और स्पेन नेवी में काफी समृद्ध थे, बड़ी इनकी सक्षम स्थिति थी। आगे हम बात करेंगे कि क्या स्पेन की महारत थी और कैसे स्पेन की महारत टूटती है, और जब स्पेन की महारत टूटती है तो विश्व के रंगमंच पर एक नई शक्ति का उद्भव होता है, वो नई शक्ति नए इतिहास लिखती है। हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करेंगे जिनेवा की। तो जिनेवा ने इटली के इस नगर में पुर्तगाल को पुश किया, मोटिवेट किया, उनकी तारीफ की कि आप मार्ग खोजिए, आपके पास नौसेना है, शक्तिशाली नौसेना है, आप कर सकते हैं। इसके लिए आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक असिस्टेंस, आर्थिक सहायता, इसके लिए तकनीकी सहायता, मनी एंड मैन, जरूरत का हर सामान जिनेवा, वेनिस और उत्तरी यूरोप के लोग देने को पुर्तगाल को तैयार थे।
कि भाई तुम संघर्ष करो, तुम्हें हम सारा सुविधाएं देंगे, तुम संघर्ष करो, आगे बढ़ो। चलिए पुर्तगाल को भी लगा अच्छा जो काम कोई नहीं कर पा रहा है उस काम को करने के लिए हमसे कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है एक गरिमा की बात थी, एक डिग्निटी की बात थी, कितने बड़े यूरोप महाद्वीप में पूरा महाद्वीप पुर्तगाल की ओर देख रहा था, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में, पुर्तगाल और स्पेन की ओर पूरा यूरोप महाद्वीप देख रहा था। पुर्तगाल ने लोगों की एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं और आशाओं का सम्मान रखा और पुर्तगाल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। पुर्तगाल के राजा थे एक शायद प्रिंस हेनरी नाम था, एक सेकंड जरा हम देख लेते हैं पुर्तगाल के राजा कौन थे। हाँ प्रिंस हेनरी ही थे, पुर्तगाल के शासक थे प्रिंस हेनरी। पुर्तगाल के शासक प्रिंस हेनरी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि यूरोप के लिए कोई नया मार्ग, सॉरी हाँ यूरोप और पूरब का व्यापारिक संपर्क जोड़ने का कोई नया मार्ग तलाशा जाए। प्रिंस हेनरी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस बात का एक ड्रीम, एक स्वप्न रखते हैं कि हम यूरोप के लिए पुराना मार्ग खोजेंगे और एक ऐसा मार्ग खोजेंगे जो मार्ग जो ऑटोमन तुर्क हैं इनको चकमा देगा। बात करते हैं सरकमवेंट की, चकमा देने कि हम एक ऐसा मार्ग खोजेंगे पूरब के व्यापार के लिए जिससे पूरे यूरोप को माल की सप्लाई होगी और ऑटोमन तुर्क का जो पुराने मार्गों पर वर्चस्व है उस वर्चस्व को हम तोड़ देंगे। पूर्वी भूमध्य सागर में जो ऑटोमन तुर्क अपना डोमिनेंस स्थापित किए हैं इस डोमिनेंस को हम खत्म कर देंगे। ये बात प्रिंस हेनरी कहते हैं लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्य से प्रिंस हेनरी की मृत्यु हो जाती है। दुर्भाग्य से प्रिंस हेनरी की मृत्यु हो जाती है और एक बात प्रिंस हेनरी जो पूर्व के लिए एक नया व्यापारिक मार्ग खोजने की बात करते हैं इस बात के लिए वहां के पोप निकोलस पंचम, वहां के पोप निकोलस पंचम एक पत्र जारी करते हैं या उन्हें एक धार्मिक रूप से एक अधिकार देते हैं कि आप समुद्र के रास्ते से, सॉरी निकोलस पंचम कहते हैं कि आप समुद्र के रास्ते से
पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करिए और ये यात्रा तब तक की जाए जब तक कि पूर्व के किनारे ऐसी भारत साउथ ईस्ट एशिया के किनारे हम पहुंच नहीं जाते हैं तब तक ये खोज भौगोलिक खोज का काम जारी रहना चाहिए। कहने के मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर एक धार्मिक मुहर लग गई, धार्मिक प्रमाण पत्र मिल गया। जो सपना प्रिंस हेनरी ने देखा था, इस सपने को वहां के पोप निकोलस पंचम ने सर्टिफाई कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। पोप आप जानते होंगे, जैसे हर धर्म में एक पुजारी होता है, धर्म में कर्म कांड का प्रमुख होता है, जैसे हिंदू धर्म पुजारी बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में उलेमा मौलवी बोलते हैं, ऐसे पादरी होता है और पादरी पूजा पद्धति का काम करता है, लेकिन पोप जो है वो सर्वोच्च धार्मिक, एक तरीके से आप नेतृत्व कह सकते हैं, सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व होता है। तो पोप ने प्रिंस हेनरी की महत्वाकांक्षाओं को जस्टिफाई कर दिया कि हाँ, जो तुम कर रहे हो इसे ही करके दिखाओ। लेकिन दुर्भाग्य से प्रिंस हेनरी की मृत्यु हो जाती है पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी की मृत्यु हो जाती है उनके सपना साकार होने से पहले ही। ये तो कहानी का एक भाग था। अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं। दूसरा पक्ष ये है, हम बात कर ही चुके हैं कि पुर्तगाल और स्पेन, ये दो नेवी में बड़ा महारत था इनको। नेवी में नौसेना इनकी बड़ी अग्रणी थी, बहुत अच्छी नौसेना थी और यही वजह था कि उन्नत जहाज निर्माण तकनीक इनके पास थी। पुनर्जागरण के दौर में इनके पास दिशा सूचक यंत्र आ गए थे, विज्ञान और तकनीक का विकास हो रहा था यूरोप अंधकार युग से निकलकर, डार्क अंधकार युग से निकलकर रिनेशा पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर रहा था। तो लंबी लंबी समुद्री यात्राएं, लंबी लंबी समुद्री यात्राएं पुर्तगाल और स्पेन के लोग करते रहते थे। 1487 एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था बार्थोलोम्यो डियास, बार्थोलोम्यो डियास 1487 में बार्थोलोम्यो डियास एक व्यापारिक यात्रा या भौगोलिक यात्रा आरंभ करता है और
पहली बार अटलांटिक महासागर को चीरते हुए अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से केप ऑफ गुड होप से होकर हिंद महासागर के पूर्वी तट पर कोई पुर्तगाली नाविक आ जाता है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप, ये आपके हैं स्पेन और पुर्तगाल, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है। ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ये केप ऑफ गुड होप है, ये दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के पास ये केप ऑफ गुड होप है, ये पश्चिमी अफ्रीका है, वेस्टर्न अफ्रीका है, ये अटलांटिक ओशियन है, ये केप ऑफ गुड होप है, और इधर ये आपका इंडियन ओशन हिंद महासागर, ये आपका रेड सी लाल सागर, ये आपका मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर। पहले व्यापार इस रास्ते से होता था, ऐसे ये रास्ता और ये तीनों रास्ते बाधित हो गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता था, सब समुद्र सागर ही सागर महासागर ही दिखता था, कितना भी आगे बढ़ जाते थे खत्म ही नहीं होता था, क्योंकि यहां से लेकर ये आगे ये इंडिया बनेगा जाके, यहां पे इंडिया है, तो खत्म ही नहीं होता था। 7,000 किलोमीटर की यात्रा थी, इंजन तो लगे नहीं थे, हाथ से ही नाव चलानी पड़ती थी, तो ये स्थिति थी। लेकिन ये पुर्तगाल है, यहां से 1487 में कोई नाविक चलता है, सारी पुरानी धारणाएं मानदंड परंपराएं और सीमाओं को अतिक्रमण करते हुए लांघते हुए रिकॉर्ड का एक नया पैमाना स्थापित करता है, पूरा अटलांटिक सागर को चीरते हुए केप ऑफ गुड होप को होते हुए और ये यहां तक पहुंचता है इंडियन ओशियन और पूर्वी अफ्रीका के तट पर। अगर आप इसमें समझे तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक इस ग्लोब को देखो, ये है पुर्तगाल, और इसमें समझ में नहीं आएगा हम ऐसे दिखा देते हैं, क्या ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, और ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ऐसे दिखाते हैं ठीक है। ये देखो ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, और इधर चलते हुए चलते 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 ये पूरा ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, साउथ अटलांटिक ओशन है, और ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये आपका पूर्वी अफ्रीका तट है, ये इंडियन ओशन है, ये इंडिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, ये रेड सी है, और ये गल्फ है। आप अपने मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा, हालांकि हम यहाँ पे बना के समझाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने एटलस में देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा
आपको बेहतर समझ में आएगा, बाकी हम मैथ में तो समझाएंगे ही समझाएंगे। तो कहां बात कर रहे थे, भूल गए। हाँ, बार्थोलोमियो डियास इस कोस्ट तक पहुंचता है। बार्थोलोमियो डियास ईस्ट कोस्ट तक पहुंचता है, यहां नहीं पहुंचता अभी, ये भी और दूरी चलनी है। जो यहां पहुंचेगा, यहां कालीकट, ये बात है 1487 की, 1487 बार्थोलोमियो डियास। और यहां के बाद यूटर्न लेता है बार्थोलोमियो डियास और वापस चला आता है पुर्तगाल के लिए, लेकिन एक बात कहता है बार्थोलोमियो डियास, कहता है मैं दृढ़ता से कहता हूं, मैं विश्वास से कहता हूं कि यही रास्ता पूरब की ओर जाता है, यही रास्ता साउथ ईस्ट एशिया की ओर जाता है, यही रास्ता इंडिया की ओर जाता है। अगर इसी रास्ते पे आगे बढ़ा जाए तो हम इंडिया पहुंच सकते हैं, हम मसालों के देश पहुंच सकते हैं, हम साउथ ईस्ट एशिया पहुंच सकते हैं। इतनी बात बार्थोलोमियो डियास कहता है। तो पुर्तगाल का राजा प्रिंस हेनरी जो स्वप्न देख रहा था, उस स्वप्न में साकार होने में कुछ समय बचा हुआ है और बार्थोलोमियो डियास उसकी पूरे यूरोप की, पुर्तगाल की, राजा की, वहां के पोप की जो महत्वाकांक्षा है उस पर 80-90% खरा उतर चुका है। बस कुछ समय की देरी है, 10 साल की, जब उन्हें अपना मुकाम मिल चुका होगा, ऑटोमन तुर्क चकमा खा चुके होंगे, पुराने व्यापारिक मार्ग बंद होने के बाद भी एक नया अकल्पनीय रास्ता खोज लेंगे, जो कि अपने आप में बड़ा दुस्साहस, बड़ा सख्त, बड़ा साहस और अनूठा काम होगा। तो पुर्तगाली अभी मात्र इतिहास रचने से, वैश्विक रंगमंच पर एक क्रांति करने से मात्र 10 साल दूर हैं, और 10 साल के बाद ऐसा कुछ करेंगे पुर्तगाली जहां से इतिहास एक अपने आप में नया दौर लेता है, किसी एक देश, किसी एक क्षेत्र का नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में एक नए काल की शुरुआत होती है, नई दुनिया की खोज होती है। तो अभी हम बार्थोलोमियो डियास तक ही डील करते हैं, क्योंकि लगभग आधे घंटे का लेक्चर होने जा रहा है। आज हम इसी कहानी पर छोड़ते हैं, देखेंगे अगले लेक्चर में कि अगले 10 साल बाद पुर्तगाली कौन सा करिश्मा करते हैं, क्या करामात करते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है, देखेंगे। तो दोस्त जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हम कंटिन्यू टाइम टू टाइम इतिहास के साथ आपको मिलते रहेंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।